अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? यकीनन खैरियत से होंगे। आपके अपनी डॉक्टर ज़फ़रीन एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अमेजिंग सी समर क्रीम, समर के हवाले से एक क्रीम लेकर आई हूँ। आपको पता है कि गर्मियाँ आ रही हैं, फेस पर बहुत ज़्यादा स्वेटिंग जो है होती है और जिस्म पर भी गर्मियों में बहुत ज़्यादा पसीना आने की वजह से स्किन डिहाइड्रेट हो जाती है, थोड़ा सा जो है रफ़ सी फील होने लग जाती है, महसूस होती है कि जैसे स्किन रफ सी हो गई है और स्किन में वो जान नहीं रही जैसे कि स्किन बहुत ज़्यादा ग्लो करती है और बड़ी जो खूबसूरत सी फील होती है। तो बहुत ज़्यादा स्वेटिंग की वजह से स्किन डल और रफ सी नज़र आने लग जाती है। तो आज उसी हवाले से आपके लिए एक बहुत अमेजिंग सी क्रीम लेकर आई हूँ, तो आप इसको यूज़ करेंगे और इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इंग्रेडिएंट हैं बहुत मुख्तसर से और फ़ायदा है बहुत ज़्यादा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए व्यूअर्स, ये है ग्रीन टी। ग्रीन टी आपको पता है कि ये एंटीऑक्सीडेंट है, इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। ये आपकी स्किन को जो है वो एजिंग साइंस जो होते हैं उनको जैसे रिवर्स कर देती है ना, इसका वो काम होता है। तो ये है ग्रीन टी। ग्रीन टी को मैंने एक चम्मच लेकर इसमें 5 स्पून हॉट वाटर, पानी गर्म करके 5 स्पून मैंने इसमें हॉट वाटर डाला था। तो ये हमारे पास अब इसका वाटर है, क्योंकि इस ग्रीन टी में जो भी इसकी प्रॉपर्टीज हैं वो सब इस वाटर में आ गई हैं। तो इसको हम इस पानी, यह पानी ही हमें चाहिए, इसको हम कर लेंगे स्टेन। ये देखिए ये पानी मैंने आपके सामने स्टेन कर लिया है। ये पानी हमें हासिल हो गया है जो कि कुछ इस शक्ल में आ गया है, क्योंकि ग्रीन टी में जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो इस पानी में आ गई हैं जो कि हमने हॉट वाटर इसमें डाला था। चलिए ये हमें मिल गया। अब हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए एलोवेरा। एलोवेरा स्किन के लिए आपको पता है कितना ज़्यादा मुफीद है, बहुत अच्छी है एलोवेरा हमारी स्किन के लिए। हमने 2 स्पून यहाँ भरकर एलोवेरा के ले लेने हैं। ये हमने एलोवेरा ले ली, हमें जितनी क्रीम बनानी है हम उस हिसाब से एलोवेरा ले लेंगे। अच्छा जी, ये एलोवेरा हो गया। इसके बाद ये देखिए, ये है विटामिन ई कैप्सूल, इवियॉन। इवियॉन हमारी स्किन के लिए, विटामिन ई जो है वो आपको पता है कितना ज़्यादा बेनिफिशियल है। विटामिन ई हमारी स्किन के लिए, हमारे नेल्स के लिए एंड हमारे हेयर्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर हम इसको अपनी स्किन पर लगाते हैं तो हमें इसके बहुत अच्छे बेनिफिट्स मिलते हैं, और इसके साथ अगर हम इसको इनटेक करते हैं, मींस अगर हम इसको डेली खा लेते हैं, तो वो जो इसके बेनिफिट्स हैं दुगने होकर हमें मिलेंगे, हमें अंदर से वो जो है ना फ़ायदा देंगे। तो ये हमने विटामिन ई कैप्सूल इसमें एक डाल लेना है। ये हमने विटामिन ई, इसमें एक ही काफ़ी होगा, ने इसमें एक विटामिन ई कैप्सूल डाल लिया। इसके बाद व्यूअर्स, ये है आलमंड ऑयल। ये आप देखिए, ये मुंडियाल का आलमंड ऑयल है, 100% प्योर है। तो हमें थोड़ा सा ये लेना है, ज़रा सा, बहुत ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा हमने आलमंड ऑयल भी ले लिया। अब हमने इसमें जो हमने ग्रीन टी का वाटर लिया था, और व्यूअर्स ये नहीं कि आपने अभी हॉट वाटर डाला है और उसी वक्त आप इसको स्टेन कर लें, आपको इसको दो घंटे कम से कम इसको छोड़ना पड़ेगा ताकि जो भी ग्रीन टी की प्रॉपर्टीज़ हैं वो इसमें शामिल हो जाएं, इसमें आ जाएं। तो ये हमने ग्रीन टी का वाटर जो है वो इसमें डाल दिया। अब हम इसको करेंगे मिक्स, अच्छी तरह से हमने इसको मिक्स करना है। ये हमें एक बिल्कुल क्रीमी सी शेप में आ जाएगी, क्रीम की तरह से ये हमारे पास मिल जाएगी हमें। अच्छा व्यूअर्स, हमारी ग्रीन टी जो है, अब मैं आपको कुछ डिटेल से बता दूं, ग्रीन टी हमारी एज पर, जो हमारे फेस पर जो एजिंग साइंस होते हैं, जैसे हमारे फॉरहेड पर लाइनिंग्स आ जाती हैं, हमारी आईज़ के जो है आउटर साइड पर लाइनिंग्स सी होती हैं, या हमारी लाफ लाइंस हैं, सब जो एजिंग साइंस हैं हमारे फेस पर, बढ़ती हुई एज के साथ जो एजिंग साइंस आते हैं,
तो ये उनको बहुत कम करेगी। ग्रीन टी जो है एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज इसमें पाई जाती हैं, ये हमारी एजिंग साइंस जो है उनको बहुत ज़्यादा कम करेगी। अच्छा, विटामिन ई जो है वो भी इसी हिसाब से है, हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा विटामिन ई अच्छा रखता है। विटामिन ई जो है हमारी स्किन को, स्किन की रिपेयरिंग करता है। हमारी स्किन जो डैमेज हो चुकी है या कुछ स्किन के ऊपर कोई जो है मतलब कि कुछ भी ऐसे साइंस हैं जिससे हमारी स्किन हमें बहुत ज्यादा डल लग रही है, तो उसको रिपेयर करता है विटामिन ई। एलोवेरा स्किन को सॉफ्ट स्मूथ बनाता है बहुत ज्यादा। एलोवेरा के हमारी स्किन के लिए बेनिफिट्स हैं, स्किन को सॉफ्ट स्मूथ और बहुत ज़्यादा ग्लोइंग एलोवेरा बनाता है हमारी स्किन को। इसके साथ साथ ऑलमंड ऑयल है, ऑलमंड ऑयल की तो बात ही क्या है। ऑलमंड ऑयल ऑयल तो वैसे भी आप थोड़ा सा अपनी हथेली पर लेकर डेली अगर इसका फेस पर मसाज करते हैं तो इसके इतने ज़्यादा बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। विटामिन ई और ऑलमंड ऑयल में काफ़ी क्वांटिटी में पाया जाता है। इसके अलावा इसमें बायोटीन बहुत ज़्यादा होता है, आपकी स्किन को बहुत बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रखेगा। ऑलमंड ऑयल वैसे भी आप खाते रहा करें वो भी बहुत अच्छा है, लेकिन सर्दियों में थोड़े गर्म होते हैं तो गर्मियों में ज़्यादा खाने से आपको एक वैसे ही गर्मी होती है तो फिर ऊपर से और गर्म चीज़ आप खाएं तो फिर उसके नुकसान भी काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। तो अगर आप खाते हैं तो उसके साथ फिर कुछ ठंडी चीज़ भी लाजमी यूज़ करें। अच्छा व्यूअर्स, अब आप ज़रा ये देखें, ये आप देखें, वाह किस कदर ये अच्छी क्रीम हमें मिल गई है। आप ये ज़रा थोड़ा सा इसकी कंसिस्टेंसी चेक करें, थोड़ा सा इसको आप देखें कितनी सॉफ्ट स्मूथ और बिल्कुल इसमें हर चीज़ मिक्स हो गई है। ऑलमंड ऑयल, विटामिन ई हमने जो इसमें डाला है, ऑयल एंड ग्रीन टी बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं और बहुत ही ज़्यादा ये सॉफ्ट सी क्रीम हमें मिल गई है। अब इसको आपने लगाना कैसे है, इसको डेली आपने नाइट में ऐसे नाइट में आपने लेकर इसको अपनी स्किन पर लगा लेना। आपको पता है जो भी इस स्किन को रिपेयर करने वाली हैं क्रीम्स हैं या कुछ भी प्रोडक्ट है उसको आप नाइट में अगर लगाते हैं ना तो वो रात को आपकी स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा असर करती है। कोई रिपेयरिंग क्रीम है अगर आप नाइट को नाइट फुल नाइट के लिए उसको लगाते हैं आपकी स्किन के ऊपर, उसके जो बेनिफिट्स होंगे वो अपना काम दुगना करेगी। रात के वक्त आपकी स्किन के ऊपर दुगना काम करेगी वो, कोई भी क्रीम है कोई भी प्रोडक्ट है। तो ये देखिए, ये इसकी आप जरा शाइनिंग देखें और खूबसूरती देखें कि अगर डेली आप इसको लगाते हैं तो आपको कितने अच्छे इसके बेनिफिट्स मिलेंगे और क्या ये आपकी स्किन के ऊपर असर करेगी। अच्छा व्यूवर्स, ये हमारी क्रीम बन गई। अब ऐसा एक कंटेनर लेकर आप पूरी अपनी क्रीम कंटेनर में सेव कर लें और आप इसको 1 वीक के लिए, 1 वीक के लिए आप इसको अपने फ्रिज में रखें और डेली लगाकर सोएं। डेली रात को आप इसको लगाएं और लगाकर सो जाएं। आप यकीन करें गर्मियों में आपको अपना फेस बहुत ज़्यादा चमकदार और बहुत अच्छा फील होगा, क्योंकि हमने इसमें जो भी चीज़ें डाली हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हैं। आपकी स्किन को उसका नुकसान कोई नहीं होगा, कोई भी इसमें ऐसी नुकसान देने वाली चीज नहीं है। ग्रीन टी है, आपकी बढ़ती हुई एज के जो साइंस आपके फेस पर नजर आते हैं विवर, आपको पता है जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है तो उसके साथ साथ हमारी फेस के ऊपर हमारी बढ़ती हुई एज के कुछ साइंस जो हैं वो लाजमी जाहिर होना शुरू हो जाते हैं। एजिंग साइंस जिनको कहते हैं वो लाजमी हमारी स्किन के ऊपर जाहिर होते हैं। तो ग्रीन टी एंटी एजिंग जो है हम प्रोसेस उसको कम करेगी, उसको एंटी एजिंग जो प्रोसेस है जो बड़ी तेजी से एजिंग साइंस हमारे फेस के ऊपर जाहिर होते हैं उनको कम करेगी। इसके साथ एलोवेरा है और ऑलमंड ऑयल है, विटामिन ई है, ये इसके इसके सपोर्टिव जो है इंग्रेडिएंट है और दुगना तिगना जो है वो इसका असर हो जाएगा। तो इस क्रीम को आप लाजमी इस्तेमाल करें और फिर इसके बेनिफिट्स आप देखें अपनी स्किन के ऊपर। ये थोड़ी देर में ड्राई हो जाएगी आपकी स्किन के ऊपर और फिर इतनी शाइनिंग सी और बड़ा ये स्किन के ऊपर ना फायदा देगी। चलिए व्यूअर, इसको आप जरूर इस्तेमाल करें और फिर मेरे साथ इसके रिजल्ट्स जो हैं वो आप कमेंट्स में मुझे बताइएगा
कि आपको कैसी लगी ये क्रीम। नाइट में इस्तेमाल करनी है, डे में स्वेटिंग वगैरह होती है, बहुत ज्यादा काम करते हैं तो उसमें फिर इतना फेस पे रहेगी भी नहीं, पसीने में बह जाएगी या इतना असर नहीं होगा जितना कि रात को असर होगा इसका। अच्छा व्यूवर्स, मेरे चैनल को जो मेरे न्यू व्यूवर्स हैं वो सब्सक्राइब कर दें। बहुत सारे मेरे ऐसे व्यूवर्स हैं जो मेरी वीडियोस को देखते तो हैं लेकिन उन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरी हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इंस्टा पर मुझे फॉलो कर लें और लाइक ज़रूर कर दिया करें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो। चलें अब इजाज़त दीजिए मुझे, ख्याल रखिएगा अपना बहुत सी दुआओं के साथ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।